जब से चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं इस समय चुनाव प्रचार उस दौरान जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर स्पष्ट हताशा दिखाई दे रही है। वे अब केवल वैभव को और प्रारंभ में जो कुछ उन्होंने बातें कहीं वे सब भूल गए। पहले 72,000 की बात कर रहे थे हम न्याय करेंगे। जब लोगों ने पूछा कि उस समय न्याय कहाँ गया तो उस बात को भी ये अब बोलना उन्होंने बंद किया है। अब केवल एक ही रट लगाए हुए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में तो कांग्रेस ने किया जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई। इवन संसद के अंदर किस प्रकार से उन्होंने पारित करके और सारे विपक्षी नेताओं को जेल में भेजा। इस समय तो इतना लोकतंत्र स्पष्ट है कि इवन प्रधानमंत्री जी को अमर्यादित गालियां देना भी ये सारे नेता लोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की माया है कि प्रत्येक को बोलने की स्वतंत्रता है। इस देश में लोकतंत्र निश्चित रूप से हमें सुरक्षित है। मोदी जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। और अजमेर में यदि मैं बात करूं या अशोक गहलोत से पूछूं कि वे 2008 से लेकर के 2013 जब केंद्र में भी उनकी सरकार थी राजस्थान में उनकी सरकार थी वो तथा 2013 से लेकर के 18 तक दोनों का एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि किसके राज्य में किस मध्य पे क्या क्या काम हुए तो जनता अपने आप निर्णय करेगी। इस समय 2013 से 18 तक जिस प्रकार से मोदी जी ने और जिस प्रकार राजस्थान के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने जितना गरीबों के लिए किया जितना अजमेर के लिए किया जितना राजस्थान के लिए किया वो बहुत स्पष्ट है। और अजमेर के लिए तो स्मार्ट सिटी योजना से लेकर के प्रसाद योजना अमृत योजना कई प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने हमको दी। मैं तो उल्टा आरोप लगाता हूँ कि पिछले 4 महीने में सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इन्होंने एक तरह से स्थगित कर दिए हैं उसे काम करना बंद कर दिया है। क्या ये अजमेर की जनता को केंद्र के सरकार के द्वारा दिए गए तोहफे की क्या इस चुनाव में सजा देना चाह रहे हैं? अशोक गहलोत इसमें बिल्कुल चुप हैं क्योंकि पिछले 4 महीने के अंदर जनता इनके शासन को देख करके ऊब चुकी है। उनकी आशाओं पे तुषारापात हो चुका है। और खुलेआम जब दो दुल्हने को उतार करके और अपहरण करके ले जाया जाए और आज तक उसका ये पता सरकार नहीं लगा सके मगर इससे निकम्मी सरकार कोई हो नहीं सकती। पानी की समस्या को लें जहाँ सारा राजस्थान त्राही त्राही कर रहा है और अजमेर में इस समय लोग पानी के लिए तरस रहे हैं उस समय किसी प्रकार की कोई योजना बनाना इवन यहाँ तक कि हमारी सरकार ने जो ब्राह्मी नदी के लिए को पानी बीसलपुर लाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे उसको भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल लिया है। आज जिलाधीश महोदय से बात करो तो केवल सुन लेते हैं लेकिन अजमेर के थक गए लेकिन कोई सुनवाई इस राज्य के अंदर नहीं हो रही है। और इस तरह से कांग्रेस का पिछले 4 महीने का शासन बिल्कुल ठप सा हो गया है और ये केवल अपने वैभव को जिताने में लगे हैं। और अजमेर में यदि मैं बात करूं तो इस समय अजमेर में कांग्रेस का प्रत्याशी केवल जातिवाद और धनबल पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। उनका किसी प्रकार से राष्ट्रवाद और बाकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जब प्रत्याशी वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और अनुभव के आधार पर भागीरथ जी राजनीति में एक अनुभवी हैं और उस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और राष्ट्रवाद निश्चित रूप से अजमेर की जनता ने सदैव राष्ट्रवाद का समर्थन किया है और राष्ट्रभक्ति में सबसे आगे रही है अग्रणी रही है। आज यदि हम बात करते हैं कि राम मंदिर हम बनाएंगे तो जनता के मन में एक ऊर्जा का संचार होता है। साथ में धारा 370 खत्म करना धारा 35(1) खत्म करना और समान नागरिक संहिता
इन मुद्दों पर कांग्रेस बिल्कुल चुप है और हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, सबको समान अधिकार प्राप्त होगा। 35A जिसमें राजस्थान कोई सी देश भर का व्यक्ति कश्मीर के अंदर कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता, उसको हम समाप्त करेंगे। राम मंदिर जो हमारे आस्था आम जन की आस्था का मुद्दा है उसको हम बनाएंगे। इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि सरकार, अजमेर की जनता एक मुद्दे पर कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की एक एक मुद्दा जितनी चर्चा करें उस पर उसकी दयनीय स्थिति है। यहाँ तक अस्पतालों में क्या स्थिति है, मैं समझता हूँ पिछली बार मैंने इस मुद्दे को थोड़ा सा स्पर्श किया था। आज मुख्यमंत्री की जो निःशुल्क दवाएँ जो अस्पताल मिलनी चाहिए, वह भी जो जानकारी आ रही है निजी अस्पतालों में पहुँचनी शुरू हुई, यानी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। छात्रावासों के अंदर पानी की कमी है, टंकियां साफ नहीं हुई हैं, यानी किसी तरह से प्रशासन पूरी तरह ठप है और जनता अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रही है। हालांकि अजमेर की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता आज इस समय अपने मन को, अपने स्वयं को दोष दे रही है। मुझे लगा इंतजार कर रही है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार आए, उससे हम जनता को कुछ राहत प्रदान कर सकें, वहाँ से योजनाएं ला सकें। इस आधार पर आम जन आगे आ रहा है और भागीरथ जी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से जीतेंगे। अब तक के चुनाव में जो भी लीड अजमेर के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में रही है, इस बार की लीड सर्वाधिक होगी और राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीत करके हम मोदी जी की सरकार केंद्र में बनाएंगे। देवनानी जी उस समय बिल्कुल चर्चा में रही, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जैसे तीन तलाक का प्रारंभ लाए, आज भी तीन तलाक राज्यसभा के कारण अटका हुआ है। लोकसभा में इन मुद्दों को हम लोग आगे बढ़े, लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण ये पारित नहीं हो सके। लेकिन हमारा कमिटमेंट पहले भी रहा है और आज भी है, और ये भारतीय जनता पार्टी ये जब धारा 370 की बात करते हैं, हमारे तो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी मुद्दे को लेकर के बलिदान दिया, और आज जब वहाँ का फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री PDP की यदि कहती हैं कि यदि धारा खत्म हुई तो कश्मीर भारत में नहीं रहेगा, और उसी के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी यदि मंच साझा करते हैं, उस मुद्दे पे चुप रहते हैं, मैं तो इस मंच से चुनौती देता हूँ कि इस मुद्दे पे स्पष्ट करें कि क्या इस देश में वापिस वो दो प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्या वापिस वो दो निशान चाहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, वह अपनी चुप्पी, या तो कई बार कहता है चुप्पी मौनम स्वीकृति होगी, या फिर अपने आप को इस मुद्दे पर वो आगे आए। हमने हमेशा इन मुद्दों को उठाया है और इस चुनाव के बाद जो हमने संकल्प पत्र में, विजय पत्र में हमने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद राज्यसभा में भी बहुमत प्राप्त होगा और हम स्पष्ट रूप से इनको लागू करेंगे। समाचार पत्रों में कहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अजमेर को सिरमौर बनाएंगे। उन्होंने जीवन में कभी भीलवाड़ा को सिरमौर बनाया, कभी किसको बनाया, और अशोक गहलोत जो दो बार मुख्यमंत्री रह लिए उन्होंने सिरमौर नहीं बनाया, तो ये सिरमौर क्या बनाएंगे? ये केवल हसीन सपने जनता को भ्रमित करने के लिए क्यों कह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। जरा अजमेर के बारे में उनका क्या समझ है? क्या अजमेर की विधानसभाएं भी पूरी उन्होंने कभी देखी है? क्या अजमेर की जन के साथ कभी संपर्क रहा क्या? जरा उसको देख करके फिर अजमेर के बारे में उनका क्या ब्लूप्रिंट है जरा स्पष्ट करें, उस पर खुली बहस करें, तो निश्चित रूप से जनता उसके बारे में निर्णय कर सके। चलिए धन्यवाद सबको। आप सभी से निवेदन अल्पार जरूर ग्रहण करें। तंत्र निश्चित रूप से हमें सुरक्षित है, मोदी जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं, और अजमेर में यदि मैं बात करूं या अशोक गहलोत से पूछूं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में तो कांग्रेस ने किया जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई, इवन संसद के अंदर किस प्रकार से उन्होंने पारित करके और सारे विपक्षी नेताओं को जेल में भेजा। जब से चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं, इस समय चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है, उस दौरान जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं,
हसीन सपने जनता को भ्रमित करने के लिए क्यों कह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। जरा अजमेर के बारे में उनका क्या समझ है, क्या अजमेर की विधानसभाएं भी पूरी उन्होंने कभी देखी है, क्या अजमेर की जन के साथ कभी संपर्क रहा क्या, जरा उसको देख करके फिर अजमेर के बारे में उनका क्या। बीच में कोई चर्चा नहीं हुई उस समय, बिल्कुल चर्चा में रही क्योंकि राज्यसभा के अंदर जैसे तीन तलाक का प्रारंभ में लाए, आज भी तीन तलाक राज्यसभा के कारण अटका हुआ है। लोकसभा में इन मुद्दों को हम लोग आगे बढ़े लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण ये पारित नहीं हो सके, लेकिन हमारा कमिटमेंट पहले भी रहा है और आज भी है। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये जब धारा 370 की बात करते हैं, हमारे तो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी मुद्दे को लेकर के बलिदान दिया। और आज जब वहाँ का फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी की यदि कहती हैं कि यदि धारा खत्म हुई तो कश्मीर भारत में नहीं रहेगा, और उसी के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी यदि मंच साझा करते हैं उस मुद्दे पे चुप रहते हैं, मैं तो इस मंच से चुनौती देता हूँ कि इस मुद्दे पे स्पष्ट करें कि क्या इस देश में वापस वो दो प्रधानमंत्री चाहते हैं, क्या वापस वो दो निशान चाहते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, वह अपनी चुप्पी, या तो कई बार कहता है चुप्पी मौनम स्वीकृति होगी, या फिर अपने आप को इस मुद्दे पर वो आगे आए। हमने हमेशा इन मुद्दों को उठाया है और इस चुनाव के बाद जो हमने संकल्प पत्र में, विजय पत्र में हमने जो घोषणा की है, निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद राज्यसभा में भी बहुमत प्राप्त होगा और हम स्पष्ट रूप से इनको लागू करेंगे। अच्छा यूँ जब चुनाव प्रारंभ हो रहे हैं, इस समय चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है, उस दौरान जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर स्पष्ट हताशा दिखाई दे रही है। वे अब केवल वैभव को जिताने में ही जुटे हैं। चारों ओर घूमने के बाद उनको लगा कि मेरी बात कोई मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और प्रारंभ में जो कुछ उन्होंने बातें कहीं वे सब भूल गए। पहले 72,000 की बात कर रहे थे, हम न्याय करेंगे। जब लोगों ने पूछा कि 55 वर्ष तक आपने अन्याय किया, उस समय न्याय कहाँ गया, तो उस बात को भी ये अब बोलना उन्होंने बंद किया है। अब केवल एक ही रट लगाए हुए हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में तो कांग्रेस ने किया, जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई, इवन संसद के अंदर किस प्रकार से उन्होंने पारित करके और सारे विपक्षी नेताओं को जेल में भेजा। इस समय तो इतना लोकतंत्र स्पष्ट है कि इवन प्रधानमंत्री जी को अमर्यादित गालियां देना भी ये सारे नेता लोग कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की माया है कि प्रत्येक को बोलने की स्वतंत्रता है। इस देश में लोकतंत्र निश्चित रूप से हमें सुरक्षित है। मोदी जी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। और अजमेर में यदि मैं बात करूं, या अशोक गहलोत से पूछूं कि वे 2008 से लेकर के 2013 जब केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राजस्थान में उनकी सरकार थी वो, तथा 2013 से लेकर के 18 तक दोनों का एक श्वेत पत्र जारी कर दें कि किसके राज्य में किस मद पे क्या क्या काम हुए, तो जनता अपने आप निर्णय करेगी। इस समय 2013 से 18 तक जिस प्रकार से मोदी जी ने और जिस प्रकार राजस्थान के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने जितना गरीबों के लिए किया, जितना अजमेर के लिए किया, जितना राजस्थान के लिए किया, वो बहुत स्पष्ट है। और अजमेर के लिए तो स्मार्ट सिटी योजना से लेकर के प्रसाद योजना, अमृत योजना, कई प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने हमको दी। मैं तो उल्टा आरोप लगाता हूँ कि पिछले 4 महीने में सारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इन्होंने एक तरह से स्थगित कर दिए हैं, उसे काम करना बंद कर दिया है। क्या ये अजमेर की जनता को केंद्र के सरकार के द्वारा दिए गए तोहफे की क्या इस चुनाव में सजा देना चाह रहे हैं? अशोक गहलोत इसमें बिल्कुल चुप हैं क्योंकि पिछले 4 महीने के अंदर जनता इनके शासन को देख करके ऊब चुकी है, उनकी आशाओं पर तुषारापात हो चुका है। और खुलेआम जब दो दुल्हनें
को उतार करके और अपहरण करके ले जाया जाए और आज तक उसका ये पता सरकार नहीं लगा सके, मगर इससे निकम्मी सरकार कोई हो नहीं सकती। पानी की समस्या को ले, जहाँ सारा राजस्थान त्राहिताही कर रहा है और अजमेर में इस समय लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उस समय किसी प्रकार की कोई योजना बनाना, इवन यहाँ तक कि हमारी सरकार ने जो ब्राह्मी नदी के लिए को पानी बीसलपुर लाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, उसको भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल लिया है। आज जिलाधीश महोदय से बात करो तो केवल सुन लेते हैं, लेकिन अजमेर की जनता के लिए पानी का गर्मी बढ़ रही है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और सब परेशान है। हम कह के कह के थक गए, लेकिन कोई सुनवाई इस राज के अंदर नहीं हो रही है। और इस तरह से कांग्रेस का पिछले 4 महीने का शासन बिल्कुल ठप सा हो गया है और ये केवल अपने वैभव को जिताने में लगे हैं। और अजमेर में यदि मैं बात करूं तो इस समय अजमेर में कांग्रेस का प्रत्याशी केवल जातिवाद और धनबल पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं, उनका किसी प्रकार से राष्ट्रवाद और बाकी बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा जब प्रत्याशी वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर और अनुभव के आधार पर, भागीरथ जी राजनीति में एक अनुभवी हैं और उस आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और राष्ट्रवाद निश्चित रूप से अजमेर की जनता ने सदैव राष्ट्रवाद का समर्थन किया है और राष्ट्रभक्ति में सबसे आगे रही है, अग्रणी रही है। आज भी हम बात करते हैं कि राम मंदिर हम बनाएंगे तो जनता के मन में एक ऊर्जा का संचार होता है, साथ में धारा 370 खत्म करना, धारा 35(1) खत्म करना और समान नागरिक संहिता, इन मुद्दों पर कांग्रेस बिल्कुल चुप है। और हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, सबको समान अधिकार प्राप्त होगा। 35(1) जिसमें राजस्थान कोई सी देश भर का व्यक्ति कश्मीर के अंदर कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता, उसको हम समाप्त करेंगे। राम मंदिर जो हमारे आस्था, आम जन की आस्था का मुद्दा है, उसको हम बनाएंगे। इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं सोचता हूँ कि सरकार, अजमेर की जनता एक मुद्दे पर कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की एक एक मुद्दा जितनी चर्चा करें उस पर उसकी दयनीय स्थिति है। यहाँ तक अस्पतालों में क्या स्थिति है, मैं समझता हूँ पिछली बार मैंने इस मुद्दे को थोड़ा सा स्पर्श किया था। आज मुख्यमंत्री की जो निःशुल्क दवाएँ जो अस्पताल मिलनी चाहिए, वह भी जो जानकारी आ रही है निजी अस्पतालों में पहुंचनी शुरू हुई है, यानी किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। छात्रावासों के अंदर पानी की कमी है, टंकियां साफ नहीं हुई हैं, यानी किसी तरह से प्रशासन पूरी तरह ठप है और जनता अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रही है। हालांकि अजमेर की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताया, लेकिन पूरे प्रदेश की जनता आज इस समय अपने मन को, अपने स्वयं को दोष दे रही है, मतलब इंतजार कर रही है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार आए, उससे हम जनता को कुछ राहत प्रदान कर सकें, वहाँ से योजनाएं ला सकें। इस आधार पर आम जन आगे आ रहा है और भागीरथ जी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारी बहुमत से जीतेंगे। अब तक के चुनाव में जो भी लीड अजमेर के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में रही है, इस बार की लीड सर्वाधिक होगी और राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीत करके हम मोदी जी की सरकार केंद्र में बनाएंगे।